एग पेपर फ्राई। आज हम बना रहे हैं एग पेपर फ्राई। आप इसको मशरूम या आलू के साथ भी बना सकते हैं, मालाबर पराठा, चावल, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए धनिया का दाना, जीरा, सौंफ, काली मिर्च होल, प्याज, कड़ी पत्ता, धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, थोड़ा नमक, शुगर और बॉइल्ड एग्स। अब आप इसमें डेढ़ प्याज लेंगे मीडियम साइज, आधा धनिया जो आपने काटा है लगभग एक चौथाई बंच, धनिया की डंडी भी डाल सकते हैं, दो हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच सौंफ और धनिया दाना, अदरक, पांच से छह गार्लिक क्लोव्स। अब डाल देंगे नमक। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी और एक चम्मच जीरा। इसको अब हम पीस लेंगे। ये हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब घी लेंगे दो चम्मच, घी में आप मसाले का पेस्ट डाल देंगे। इसको अब 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे भूनेंगे। इसके साथ में आप कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। Now you poke the eggs from different sides, just like that. अब आप अंडे को इस मसाले में मिला देंगे और इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे, जब तक कि इसका तेल बाहर नहीं निकल जाता। इसको अब आप टॉस कर लेंगे ताकि मसाला अंडे को कोट कर ले। Look at that, beautiful. Egg pepper fry तैयार है। देखिए सेम मसाला जो मेरे पास बचा था उसके साथ अब मैं मशरूम्स को टॉस कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप मशरूम्स या आलू को भी इस पेपर फ्राई मसाले में, मशरूम पेपर फ्राई या आलू पेपर फ्राई बना सकते हैं। कितना यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट है ना अंडा, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, स्किलेट बना सकते हैं, एग रोस बना सकते हैं, घी रोस बना सकते हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग दीज एग रेसिपीज एंड दीज बेसिक सिंपल रेसिपीज दैट यू कैन डू एट होम। आप लोग और क्या सीखना चाहेंगे मुझे बताइए। अगर आप घर पे बोर हो रहे हैं, इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू लर्न स्पेसिफिकली, एनी इंग्रेडिएंट दैट यू वांट रेसिपीज फ्रॉम, प्लीज लेट मी नो। आई होप यू एंजॉय दिस एग पेपर फ्राई एट होम। आई एम फॉर यू।